सब्सक्राइब कीजिए सोनू राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ज्ञान वर्धक जानकारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ज्ञान वर्धक जानकारी पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो नोगजा पीर के बारे में है। नोगजा पीर दोस्तों एक पंजाबी संत थे जिनकी ऊंचाई 9 गज थी, जो भारतीय मीट्रिक इकाइयों में 8 मीटर और 36 इंच या फिर 27 फीट के बराबर होती है। इनका नाम सैयद इब्राहिम बादशाह था, जो माना जाता है कि समय के साथ सभी कामों को पूरा करते थे। पंजाब क्षेत्र में नोगजा पीर के कई मंदिर हैं जो पंजाबी लोक धर्म का हिस्सा हैं। मंदिर नियमित रूप से पंजाब क्षेत्र के लोगों द्वारा वहां पर दौरा किया जाता है। हम बात कर रहे हैं नोगजा पीर के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, नोगजा पीर जो है इराक से थे और हरियाणा के कल्याण गांव में शाहबाद मारकंडा और क्षेत्र के पास में जो स्थित है। नोगजा पीर का मंदिर पंजाब हरियाणा सीमा के निकट भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि एक मुस्लिम संत की कब्र और एक हिंदू शिव मंदिर दोनों आपस में सटे हुए हैं। लोग दोनों जगहों पर जाते हैं, अपनी इच्छाओं के लिए उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। बाबा नोगजा पीर हरियाणा के शाहबाद ज़िले में रहते थे। उनकी कब्र के पास नोलेन पुल नामक एक ऐतिहासिक पुल है, जो हरियाणा सरकार द्वारा घोषित पर्यटन स्थल बनाया जा चुका है। कहा जाता है कि भगवान शेषनाग को एक बार नोगजा पीर की दरगाह पर देखा गया था। 1881 के दौरान बाबा तारा सिंह मंदिर के प्रमुख थे, जो 1911 में समाधि में उतरे थे। 1954 में माता शारदा देवी जी ने इस मंदिर का नेतृत्व किया, तो 2008 में समाधि में आए थे। 1984 से बाबा विनय शुक्ला रखरखाव के प्रभारी थे। सुरक्षित यात्रा के लिए मंदिर का आदर किया जाता है। चादर धूप की छड़ के अलावा भग दीवार की घड़ियों को भेंट करते हैं, जिन्हें नोगजा पीर की कब्र पर शुभकामना के रूप में मनाया जाता है। कई राजनेता, बड़ी हस्तियां, यात्री इस पवित्र स्थान पर प्रार्थना करने आते हैं। उत्तर दक्षिण भारत के टैक्सी चालकों के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक स्थान है। इस जगह को 9 लेन का रास्ता, 9 देवता नामित किया गया है। जो 9 लेन का रास्ता है वो 9 देवों के नाम पर रखा गया था और एक शिव मंदिर के सामने स्थित था, जहां बाद में मुस्लिम संत आए और रुके। नौदरी एक पुल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मंदिर उस क्षेत्र के लोक धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जो संगठित धर्मों के बीच एक प्रवचन है। आपके ज्ञानवर्धन जानकारी के लिए वीडियो दोस्तों विकिपीडिया से ली गई है। अगर कोई गलती या सुधार हो तो हमें क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। क्या आप नोगजा पीर की दरगाह पर गए हैं? हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबा नोगजा पीर।